नमस्कार शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका NIOS के स्टूडियो में। आज हम बात करेंगे डेलेट के कोर्स कोड 508 कला शिक्षा के बारे में। मैं मेजबीन फातिमा कला शिक्षा के बारे में बात करेंगे। कला शब्द इतना व्यापक है कि विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं केवल एक विशेष पक्ष को छूकर रह जाती है। कला का अर्थ अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है, यद्यपि इसकी हजारों परिभाषाएं की गई हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार कला उन सारी क्रियाओं को कहते हैं जिनमें कौशल अपेक्षित हो। यूरोपीय शास्त्रियों ने भी कला में कौशल को महत्वपूर्ण माना है। कला एक प्रकार का कृत्रिम निर्माण है जिसमें शारीरिक और मानसिक कौशलों का विकास होता है। भारतीय विद्वानों के अनुसार कला शब्द की उत्पत्ति कल धातु से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ है सुंदर, सौम्य, कोमल। इसी प्रकार शब्द आर्ट की उत्पत्ति आर्स या आर्टिस्ट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है कुछ बनाना, निर्माण करना। कला शब्द का प्रयोग सबसे पहले भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में ही मिलता है, जो कि उन्होंने पहली शताब्दी में लिखा था। कामसूत्र, शुक्र नीति, जैन ग्रंथ, प्रबंध कोष, कला विलास, ललित विस्तार इत्यादि सभी भारतीय ग्रंथों में कला का वर्णन मिलता है। अधिकतर ग्रंथों में कलाओं की संख्या 64 यानी 64 प्रकार की मानी गई हैं। यूरोपीय साहित्य में कला शब्द का प्रयोग शारीरिक या मानसिक कौशल के लिए ही अधिकतर हुआ है। वहाँ प्रकृति से कला का कार्य भिन्न माना गया है। कला का अर्थ है रचना करना, अर्थात वह कृत्रिम है। प्रकृति, सृष्टि और कला दोनों भिन्न वस्तुएं हैं। कला उस कार्य में है जो मनुष्य करता है। कला और विज्ञान में भी अंतर माना गया है। विज्ञान में ज्ञान का प्रधान है, कला में कौशल का। कौशलपूर्ण मानवीय कार्यों को कला की संज्ञा दी जाती है। कौशल विहीन या बेढंग से कार्य किए जाने वाले कार्यों को कला में स्थान नहीं दिया जाता। हम अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कला की क्या क्या परिभाषाएँ दी गई हैं। जैसे रवीन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार कला में मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है, तो वहीं प्लेटो ने क्या कहा, कला सत्य की अनुकृति है। सत्य मीन्स अमूर्त सत्य। अमूर्त सत्य यानी कि जैसे झरना है, पेड़ पौधे हैं या बादल है, आसमान है, ये सब हमें इसका अनुकरण हमें अनुभूति कैसे हुई, इसकी अनुभूति हमने प्रकृति को देखा, प्रकृति को देखकर ही हमने उस अमूर्त सत्य को देखकर ही हमने उसकी अनुकृति की, उसको हमने कलाकृति के रूप में हम उसे जानते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद के मुताबिक ईश्वर की रचनात्मक शक्ति का सीमित रूप जिसे हम धारणा के लिए प्राप्त करते हैं वह कला है। भगवान की रचनात्मक शक्ति क्या है, उन जैसे हम नदियाँ, पहाड़ों, महासागरों, सूर्य, चंद्रमा, आकाश इत्यादि जैसे भगवान की रचना या रचनात्मक शक्ति के रूप में देखते हैं। यह सीमित या छोटा रूप है। उदाहरण के लिए एक चित्र है जिसमें हम समुद्र में सूरज सेट का एक दृश्य देखते हैं। जिस क्षण हम इसे देखते हैं हमें खुशी से उजागर कर देते हैं, क्या एक सुंदर दृश्य इत्यादि। यह एक चित्र है जो भगवान की रचनात्मक शक्ति का संक्षिप्त या छोटा रूप है। यह ज्ञान या धारणा के रूप में देता है। इस छोटे रूप को बनाने को ही हम कला कहते हैं। मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है। यानी एक व्यक्ति अपने भावों को, अपने विचारों को अपने लोगों के सामने जब प्रस्तुत करता है, अपने आप को अभिव्यक्ति जो अभिव्यक्ति करने का जो तरीका माना गया है अब मैथिली शरण गुप्त के अनुसार, कि वो व्यक्ति जो अभिव्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को कर ले, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर ले, अपने भावों की अभिव्यक्ति कर ले, तो उसको में जो कुशल है या जो सक्षम है वो क्या कहलाती है, कला कहती है। उस शक्ति को हम कला शक्ति कहते हैं। कला चर्चाओं के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हम कला को एक परिभाषा के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते हैं। कला का वर्गीकरण करने के लिए सिर्फ कोई एक सिंपल तरीका नहीं है, कोई एक आसान तरीका नहीं है। कुछ विद्वानों के अनुसार इंद्रियों को आधार माना गया है, कुछ ने संस्कृति, इतिहास, माध्यम इत्यादि को आधार मानकर कला का वर्गीकरण किया। विद्वानों में इसमें भी मतभेद है। माध्यम को सबसे ज्यादा आधार मानकर कला के वर्गीकरण को सभी विद्वानों ने ज्यादा मान्यता दी। यानी माध्यम को ही, किस माध्यम से आप अपने आप को अभिव्यक्ति करते हो, यानी अपने विचारों की, अपने भावों की, जो आपके आइडियाज़ हैं उनको आप किसके माध्यम से प्रकट करते हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको उस माध्यम के वजह से, यानी आपने चित्रकला के माध्यम से अपने आप को प्रदर्शित किया, या आपने अपने आप को डांस के या ड्रामा के माध्यम से अपने आप को प्रदर्शित किया, तो वो माध्यम को आधार मानकर कला को जब हम वर्गीकरण करते हैं तो वो दो तरीके से की जाती हैं। पहला जैसे है माध्यम के आधार पर दो भागों में जो विभाजित किया गया, पहला है दृश्य कला, दूसरा है प्रदर्शन कला, या हम उसे निष्पादन कला भी कहते हैं। प्रदर्शन कला किसे कहते हैं, कला का वह रूप जो मुख्यतः दृश्य प्रकृति की होता है, जैसे
रेखाचित्र, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, चलचित्र इत्यादि। उसी तरीके से जैसे हम चित्र देखते हैं, जैसे ये है तो ये हमारा क्या है, छापा चित्रण है। तो ये एक विजुअल आर्ट का पार्ट है, एक विजुअल। और ये जैसे इसमें हम देखें, पहला जो हमारी इमेज दिख रही है हमें कुछ पत्तियां, पत्तियों का जो हम इम्प्रेशन ले रहे हैं यानी हम उसका छापा चित्रण करवा रहे हैं, तो ये क्या है, विजुअल आर्ट का पार्ट है, यानी आप हमारा दृश्य कला का पार्ट है। और दूसरा जो हम नीचे उसके देख रहे हैं जो चित्र है वो क्या है, उसमें हमने एक कोलाज बनाया हुआ है, कोलाज के थ्रू आप अपने आप को प्रकट, यानी पेपर को, यानी जो हमारे पास कुछ पेपर्स होते हैं, कुछ कभी वेस्ट मटेरियल होता है, उसको हम पेपर को फाड़ कर जब एक कलाकृति के रूप में कुछ जो आकार है उसको हम प्रोत्साहित करते हैं अपने आप को, या अपने स्टूडेंट को जब हम प्रोत्साहित करते हैं कुछ नया कुछ नई वस्तुओं का निर्माण करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोलाज मेकिंग कहते हैं। कुछ भी पेस्ट करना, यानी पेपर है या क्लोथ है या हम दाल वगैरह, ये हम पेस्ट करके कुछ एक कलाकृति का, जब हम एक वस्तु का निर्माण करते हैं यानी एक कलाकृति के जिसमें सौंदर्यात्मक ढंग से जो प्रस्तुत की गई है उसे हम क्या कहते हैं, कलाकृति, यानी कोलाज मेकिंग कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जैसे हम ये देखते हैं पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न हमने नॉर्मली हम भुट्टा जैसे कहते हैं आम वर्ड में, तो पॉपकॉर्न को हम देखें उसको हमने नॉर्मली हम क्या है अपने घरों में हमें ये आसानी से मिल जाता है, तो बच्चों को हम ला करके हम इस तरह की एक्टिविटी भी कलाकृति के द्वारा करवा सकते हैं। ये सब क्या है, विजुअल आर्ट का यानी दृश्य कला का पार्ट है। यानी हम जैसे उसके साथ में जो हमने ये हमारी जो इमेज है, यानी जो इस इमेज में हमने नीचे देखते हैं, तो हमने मोस्टली हमारे पास क्या आता है, जो पेपर प्लेट्स होती हैं उसे हम ख़राब होते हैं हम उसे फेंक देते हैं, तो उसको थ्रू भी हम कलाकृतियों को किस तरीके सुंदर प्रस्तुत कर, सुंदर एक कलाकृति के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। निष्पादन कला किसे कहते हैं, निष्पादन कला वो कला है जिसमें कलाकार अपने ही शरीर, मुखमंडल, भाव भंगिमा आदि का प्रयोग करके कला को प्रदर्शित करते हैं। यानी कला को प्रदर्शित मीन्स यानी अपने भावों को, विचारों को, भावनाओं को प्रदर्शित करना, यानी कुछ ना मैं कुछ कोई आपके सामने जो भी आप प्रकृति, और इसके लिए ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट होता है वो ये है कि सामने आपके दर्शक होने चाहिए। जैसे हम निष्पादन कला यानी परफॉर्मिंग आर्ट का जो बात करते हैं, तो परफॉर्मिंग आर्ट जैसे अगर हमने ड्रामा करना है या रंगमंच हम परफॉर्म कर रहे हैं कहीं पर, तो ये क्या होना चाहिए, उसके सामने हमें दर्शक होने ज़रूरी होते हैं। जैसे ये एक इमेज है जिसमें एक रंगमंच का एक अच्छा प्रस्तुत किया गया है, ये भांगड़ा कला और दूसरा क्लासिकल डांस कथक। यहाँ हम देख सकते हैं कठपुतली, और दूसरा हम ये फिंगर पपेट जिसे कहते हैं, हम ये सारी एक्टिविटीज़ अपने स्टूडेंट्स को, ये सब विजुअल आर्ट का या परफॉर्मिंग आर्ट का पार्ट है। यानी इसमें एक आर्टिस्ट अपनी बॉडी को यूज़ कर रहा है। यानी जैसे हम कठपुतली डांस करवाते हैं, कठपुतली डांस में क्या है, उसमें हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन और वॉइस का यानी आवाज़ का कोऑर्डिनेशन होता है। बिना उसके कोऑर्डिनेशन के हम क्या करते हैं, कोई भी हमारा जो मैसेज है, जो हमारी स्टोरी है, जो हम कन्वे करना चाह रहे हैं लोगों को, जो हम कहानी का चित्रण करना चाह रहे हैं लोगों के सामने, वो हम सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर सकते अगर उसमें कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो। इस तरीके से दृश्य कला में हम देखते हैं कि निष्पादन कला के विपरीत कलाकार अपनी कला का प्रयोग करके भौतिक वस्तुएं बनाता है, जैसे कि चित्र, शिल्प। निष्पादन कला के अंतर्गत कई कलाएं मौजूद हैं, इन सब में साम्यता यह है कि इनमें प्रत्यक्ष रूप से दर्शकों के सामने प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे इसके कुछ प्रकार हम देखते हैं कि निष्पादन कला के कौन कौन से प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। जैसे एक नृत्य, नृत्य हम देखते हैं नृत्य के रूप में किसी संगीत के अनुसार हाथों, मुख और पैरों की एक विशिष्ट रूप से हिलाना घुमाना नृत्य कहलाता है। इन हाथों पैरों के लिए जो चेष्टा में एक प्रकार का संदेश होता है, बातों द्वारा संवादन कर पाने के लिए विषय अनेक नृत्य द्वारा समझाए जा सकते हैं। रंगमंच, रंगमंच निष्पादन कला की वह शाखा है जहाँ कहानियों को दर्शक के सामने प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शन संभाषण, इशारों, संगीत, नृत्य आदि के द्वारा किया जाता है। साधारण रूप में रंगमंच द्वारा प्रदर्शन में मूल रूप से संवाद को अधिक महत्व दिया जाता है, जिसे हम डायलॉग नॉर्मली हम क्या कहते हैं, डायलॉग जिसे कहते हैं, उसे यानी संवाद को हम ज़्यादा महत्व देते हैं। रंगमंच एकांकी, संगीत सभा, नृत्य, इंद्रजाल, जादू, मूक कला, शास्त्रीय नृत्य, स्टैंड अप कॉमेडी जिसे हम आजकल देखते हैं, जैसे अपने आसपास स्टैंड अप कॉमेडी में आपके यहाँ नॉर्मली आप टीवी शोज ऐसे देखते रहते होंगे, तो इसमें क्या है, आदि के रूप में हम ये सब जो जितनी भी हमने बात करी ये सब रंगमंच के पार्ट होते हैं, रंगमंच के अंतर्गत आते हैं।
इसमें एक कला एक कलाकार अपने भावों को, अपने विचारों को, जो उनका आइडिया जो वो प्रदर्शित करना चाह रहा है, वो प्रत्यक्ष रूप से दर्शक के सामने प्रदर्शित करता है। संगीत, मनुष्य अपनी वाणी द्वारा गाकर कला का प्रदर्शन करता है। सुर, लय एवं ताल में गाने की विधि कला है, यानी बिना सुर के आप नहीं गा सकते, उसमें सुर होना ज़रूरी है। यह सीख कर ही प्राप्त की जाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी कई परिवार में ऐसा भी होता है, भारत में संगीत द्वारा जीवनी चलाते हैं। इस कला प्रदर्शन को कई प्रदेशों में दैवी भावना भी की जाती है। जैसे हम हमें मोस्टली हम ये देखते हैं, जैसे भजन कीर्तन है, ये हमारे दैवी चीज़ें हैं, तो इसमें हम भजन कीर्तन भी हम नॉर्मली अपने आसपास के घरों में हम देखते हैं, तो ये भी एक प्रदर्शन कला का ही पार्ट है। जैसे उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। कला शिक्षा, अब हमने अभी तक जो बात की, हमने ये बात की कि कला कहते किसे हैं, है ना, अब हम बात करेंगे कि कला शिक्षा किसे कहते हैं। कला शिक्षा यानी शिक्षा, उससे पहले हम ये समझते हैं कि शिक्षा किसे कहते हैं। तो शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व का विकास विकसित करने वाली प्रक्रिया है। यही प्रक्रिया उसे समाज में एक वयस्क की भूमिका निभाने के लिए समाजीकृत करती है तथा समाज के सदस्य एवं जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए व्यक्ति को आवश्यक ज्ञान तथा कौशल उपलब्ध कराती है। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिष शब्द से बना है। शिक्ष का अर्थ क्या है? सीखना और सिखाना। शिक्षा शब्द का अर्थ हुआ सीखने सिखाने की प्रक्रिया। शिक्षा समाज की पीढ़ी एक पीढ़ी द्वारा अपने को से निचली पीढ़ी को अपने ज्ञान का हस्तांतरण का प्रयास है। इस प्रकार से शिक्षा एक संस्था के रूप में भी काम करती है जो व्यक्ति विशेष को समाज से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा समाज की संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखती है। बच्चा शिक्षा द्वारा समाज के आधारभूत नियमों, व्यवस्थाओं, समाज के प्रतिमानों या मूल्यों को सीखता है। बच्चा समाज से तभी जुड़ पाता है जब वह उस समाज विशेष के इतिहास से अभिमुख होता है। जैसे हमने देखा होगा कि हम आसपास कुम्हार है, कुम्हार क्या करते हैं कि उसमें कभी कोई कुम्हार को हमने ये नहीं देखा कि उसका बच्चा जा करके कहीं दूसरी जगह बर्तन बनाने की कला को सीख रहा हो, वो ऐसा नहीं करते हैं। वो क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो अपने उन्होंने अपने घरों में देख रखा है, बचपन से वो देखते आ रहे हैं, वो उस ज्ञान का दूसरे ज्ञान उसमें सीखते जाते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उस ज्ञान का क्या होता है, हस्तांतरण होता रहता है। उसके बाद अन्य शब्दों में शिक्षा क्या है, क्षमताओं का विकास है। तो कला शिक्षा, हम इस जो हमने अभी तक जितना डिस्कशन किया उससे हमें क्या समझ में आया कि उन शब्दों में शिक्षा क्षमताओं का विकास, तो कला शिक्षा उन क्षमताओं का विकास है जिसके माध्यम से हम किसी भी माध्यम के सौंदर्य भावना के साथ उसकी अभिव्यक्ति भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। यानी उन क्षमताओं का विकास है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपने विचारों को, भावों को और अपने विचारों और भावनाओं को सौंदर्यात्मक ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। कला शिक्षा सीखने का क्षेत्र है जो कि दृश्य, मूर्तिकला, चित्रकला और गहने, मिट्टी के बर्तन, बुनाई, कपड़े इत्यादि में डिज़ाइन पर आधारित है। डिज़ाइन तथा अधिक व्यवहारिक क्षेत्रों में वाणिज्यिक, ग्राफिक तथा घरेलू सामान पर लागू डिज़ाइन पर आधारित, जैसे हम आजकल लोगो डिज़ाइनिंग देखते हैं। समकालीन विषयों में फोटोग्राफिक, वीडियो, फिल्म डिज़ाइन, कंप्यूटर ग्राफिक्स इत्यादि शामिल हैं। कला शिक्षा का महत्व, अब हम ये देखते हैं कि कला शिक्षा का क्या महत्व। विक्टर लॉनफील्ड ने उन तरीकों पर बल दिया गया जिसमें कलात्मकता के विकास के विभिन्न चरणों में बच्चों को उचित मीडिया और विषयों द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और पाठ्यक्रम मुख्य रूप से विकास संबंधी विचारों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। विक्टर लॉनफील्ड के अनुसार उन्होंने कला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कार्य किया है, तो उनके अनुसार कला की गतिविधियों को कभी भी उसको हम अपने बाकी विषयों को पढ़ाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह देखा गया है कि कला गतिविधियों में लगे बच्चे अन्य विषयों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, सीधे भाषाओं से भूगोल तक, विज्ञान तक, यानी नॉर्मल हम जो हमारी भाषा है उसके अलावा हम भूगोल तथा विज्ञान के बातों को भी हम आसानी से हम कला की शिक्षा द्वारा हम दिए जा सकते हैं, उनके विषय वस्तु को और अच्छे तरीके से हम समझा सकते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि जो छात्र रचनात्मक अभिव्यक्ति के किसी भी रूप से अवगत हैं वे संगीत, चित्रकला या नाटक मानकों में और उच्च स्कोर प्राप्त करते हैं। कुछ अन्य निष्कर्ष बताते हैं कि विद्यालय में कला कार्यक्रम में लगे छात्रों को स्कूल से बाहर निकालने की संभावना अधिक नहीं है जो किसी भी प्रकार की कला में नहीं होती। रचनात्मकता, उसके बाद हम ये देखते हैं कि कला के द्वारा बच्चों में किन किन क्षमताओं का विकास होता है, तो रचनात्मकता,
कला कार्यक्रमों के दौरान छात्रों को अक्सर सामग्री दी जाती है, जो कुछ भी उन्हें लगता है उन्हें आकर्षित करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार मुक्ति बैती कला कला गतिविधियां बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा देती है, उनकी कल्पना शक्ति के साथ साथ निर्णय लेने के कौशल में भी मदद करती है। व्याख्या कौशल कला प्रशंसा कक्षाओं के दौरान छात्रों को कला के विभिन्न टुकड़ों से निष्कर्ष निकालने और आकर्षित करने के लिए बनाया जाता है। उनकी व्याख्या कौशल को मजबूत करता है और वे अन्य विषयों के साथ साथ जीवन को अन्य सभी पहलुओं से भी इसका उपयोग कर सकते हैं। गंभीर सोच और संचार कौशल कला एक बच्चे की बुद्धि विकसित करती है। अध्ययनों से पता चलता है कि बच्चों के संपर्क में मस्तिष्क गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद मिलता है। एक बच्चा सीखता है तो समस्या को कैसे हल किया जाए, वो यह भी सीखता है कि अपने विचारों और को कई तरीकों से कैसे व्यक्त किया जा सकता है। कला वर्गों के दौरान कला के विभिन्न टुकड़ों पर विस्तार से चर्चा की जाती है। यह चर्चा छात्रों को बहस या भाषण कक्षाओं में खुद को व्यक्त करने के सक्षम बनाती है। व्यक्ति विकास नाटक गतिविधि जैसे कला रूप में बच्चों के समग्र व्यक्तित्व को विकसित करते हैं। वे एक बच्चे को आत्मसम्मान का निर्माण करते हैं और उन्हें अनुशासित बनाते हैं। कला में एक बच्चा बहुत रचनात्मक और अभिनव हो जाता है, वह प्रेरणा विकसित करता है। वो ये भी सीखता है कि वो दूसरों के साथ कैसे सहयोग करें। अवलोकन कौशल बच्चों के लिए कला गतिविधियां उन्हें अवलोकन कौशल में सुधार करती है। उदाहरण के लिए घर के एक स्केच को आकर्षित करने के लिए आवश्यक कौशल वही है जो सौर्य मंडल को समझाने के लिए आवश्यक है, और यह पता लगाने के लिए कि कोई विशेष सहपाठी क्यों और कैसा व्यवहार कर रहा है, यह ऐसा सही है या कैसा है। वो अपने आप को उसका अवलोकन शक्ति का विचार, यानी जब हम कला शिक्षा के द्वारा हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि कला के द्वारा आपको अपने ही जैसे आपने अच्छा बनाया है या कितना अच्छा कोई भी आर्ट वर्क आपने क्रिएट किया, तो हम सबसे पहले कलाकृति को अपने एक कलाकार खुद ही अवलोकन करता है कि वो कितना अच्छा है, लोगों को कैसा अच्छा लगे और उसको कितने ज़्यादा सौंदर्यात्मक ढंग से और ज़्यादा प्रस्तुत किया जा सकता है। आत्मसम्मान बच्चों की कला गतिविधियां उन्हें उत्सुक बनाती हैं। एक बच्चा सीखता है कि कला में भाग लेकर चीज़ों पर सवाल कैसे उठाया जाए। एक स्केच ड्राइंग करने के बाद यदि कोई बच्चा अंतिम परिणाम पसंद नहीं करता है तो कुछ हिस्सों को मिटा देता है और फिर से खींचता है। इस प्रकार वह कला के माध्यम से परीक्षण और त्रुटि सीखता है। वास्तविक जीवन परिस्थितियों में भी वो इसका उपयोग करता है। जब भी हम कोई भी कलाकृति का निर्माण करते हैं तो अगर वो ख़राब होने लगे तो हम ये चीज़ें भी सिखाते हैं कि उसको हम किस तरीके से उसको दोबारा से हम नई वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। उस तरीके से कला शिक्षा के महत्व को इस तत्व को समझाया जा सकता है कि आज के पूरे मानव इतिहास को हमें साहित्य संगीत दृश्य कला नृत्य और नाटक जैसे विभिन्न कला रूपों के माध्यम से बताया गया है। कला भौगोलिक या सांस्कृतिक सभी सीमाओं से आगे है। कला जीवन में कल्पना ला सकती है और कल्पना को जीवन दे सकती है। तो निष्कर्ष निकालने के लिए कहा जा सकता है कि कला गतिविधियों में शामिल होना उनकी सामाजिक भावनात्मक बौद्धिक और व्यक्तिगत विकास के लिए बच्चों के लिए ज़रूरी है। कला शिक्षा के उद्देश्य कला शिक्षा का क्या क्या उद्देश्य होता है, उन्हें हमने कला डीएलएड के कोर्स में ऐसा क्यों रखा है कि कला शिक्षा की क्या ज़रूरत है। तो कला शिक्षा के द्वारा हमें एक बच्चे को उसको आर्टिस्ट नहीं बनाना है, उसको क्या है उसका हमारा जो मेन उद्देश्य होता है कला शिक्षा के द्वारा कि बच्चे अपने भावों को और अलग दूसरे विषयों को जैसे कोई भी मैथ है साइंस है इंग्लिश है इन सारे सब जो विषय है उन विषयों को अच्छे से समझ सकें। तो कला शिक्षा के उद्देश्य ये है कि बच्चों को विचारों भावनाओं और अभिव्यक्ति को स्पष्ट करने और व्यक्त करने में सक्षम बनाने के लिए एक श्रृंखला के माध्यम की एक अनुभव है। जैसे हम ये कहते हैं कि कला क्या है, एक सौंदर्यात्मक ढंग से प्रस्तुत करने की भावना है। तो सौंदर्य अनुभव प्राप्त करने और सौंदर्य जागरूकता विकसित करने के लिए, यानी सौंदर्य के कोई भी आर्ट वर्क अगर हम कोई भी कलाकार एक जो बच्चे के अंदर क्या करना चाहिए सौंदर्य को अनुभव प्राप्त करना और सौंदर्य के प्रति जागरूकता विकसित करने के लिए कला शिक्षा आवश्यक है। दृश्य कला में संगीत में नाटक में नृत्य और साहित्य में बच्चों की जागरूकता संवेदनशीलता और आनंद के बारे में जागरूकता विकसित करना ये ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे जो प्राइमरी लेवल के होते हैं उनको क्या है कि इंजॉय करते हों, यानी कोई भी काम जब वो पढ़ाई कर रहे हो तो वो क्या करें बहुत ज़्यादा
उनको इंजॉयमेंट के साथ ही, कला शिक्षा के द्वारा ही हम उन बच्चों के अंदर इंजॉयमेंट के, यानी उनको आनंद की प्राप्ति हो, या जो आपको क्लास करने बैठे हैं या क्लास करते हैं या शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो उस शिक्षा के दौरान उनको मज़ा आना चाहिए क्लास करने में, तो उनकी जो लर्निंग प्रोसेस होती है, जो सीखने की क्षमता होती है, उन शक्तियों का विकास होता है। स्व अभिव्यक्ति के मूल्यांकन के माध्यम से बच्चों के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को महत्व देना। स्थानीय में कला की उत्कृष्टता और प्रशंसा की भावना को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक संबंध दोनों, चाहे वो अतीत हो या वर्तमान हो, इन दोनों के संदर्भ में उनका विशेष ध्यान देना। यानी क्षेत्रीय मीन्स क्या हुआ कि जैसे हम बात करते हैं, अगर हम मधुबनी पेंटिंग की बात करते हैं तो हम बिहार या मिथिला पेंटिंग के नाम से हम जानते हैं, या हम वर्ली पेंटिंग की बात करें तो वो एक क्षेत्र विशेष यानी महाराष्ट्र की पेंटिंग है, महाराष्ट्र के लोगों ने, जो लोगों में ज़्यादा की जाती थी, यानी वो एक क्षेत्र विशेष की कलाकृति हुई। या इस तरीके से हम ये देखते हैं दूसरी चीज़ कि अगर हम बात करें कथक की, तो कथक भी एक विशेष क्षेत्र, जैसे कि कुछ इसके लखनऊ के कुछ घरानाज में होते हैं और ये कुछ राजस्थान के एरिया में होता है, तो ये एक क्षेत्र विशेष है। लेकिन एक क्षेत्र विशेष के साथ साथ उसके बाद हम जब इसे ग्लोबली हम जब इसे देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हिंदुस्तान की एक आर्ट फॉर्म कहलाई जाती है। तो व्यक्तिगत पूर्ति के लिए कला की महत्वपूर्ण प्रशंसा को बढ़ावा देना, एक व्यक्तिगत, जैसे ये ज़्यादा आवश्यक है कि स्वयं बच्चों में हम की भावना को प्रवृत्ति को पैदा करना। मीन्स जैसे एक बच्चा है तो उसको अपनी कलाकृति को, अपने उसने अपने कलाकृति का निर्माण किया, उसके अलावा दूसरों की कलाकृति को देखकर वो उसकी प्रशंसा के लिए, उस प्रशंसा करने के को महत्वपूर्ण प्रशंसा कर सके, उसका ये बढ़ावा देना। कला शिक्षा का उद्देश्य हमारी व्यक्तिगत भावनाओं और सोच का प्रतिनिधित्व करती है, जो हमें अपने आत्मविश्वास, सामाजिक जागरूकता, सौंदर्य भावना विकसित करने में मदद करती है और हमें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। सामाजिक जागरूकता, कला शिक्षा के द्वारा हमें सामाजिक जागरूकता को प्राप्त होती है। सामाजिक जागरूकता इस तरीके से, जैसे कि हमें हमारे समाज में क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, और जैसे क्या बुराइयां हैं, जैसे दहेज पड़ता है, बच्चों लड़कियों को अनपढ़ाई ना करने देना, ये सारी चीज़ें बुरी कुप्रथा है। तो इन प्रथाओं के प्रति समाज में क्या चीज़ें हम अच्छा कर सकते हैं, तो एक कलाकार के नाते कलाकार क्या करता है, अपने कलाकृतियों के द्वारा उनके लिए, जैसे एक पोस्टर के थ्रू ही, एक पेंटिंग के द्वारा, एक ड्रामा के द्वारा, एक नाटक के द्वारा लोगों में जागरूकता पैदा करने की कोशिश करता है। आर्थिक लक्ष्य, यानी जब एक हम पेंटिंग बनाते हैं या कोई भी आर्ट वर्क क्रिएट करते हैं या एक शिल्प ही शिल्प बनाते हैं, सपोज जैसे एक मिट्टी का दिया ही बनाया है, उसको हमने डेकोरेट किया, तो हमें उसे आर्थिक लक्ष्य भी हो सकता है कि वो हमारी कल को बिक जाएगी। तो बच्चों में उसके अंदर एक आत्मनिर्भर बनने की क्षमता का विकास होता है कि हमें आत्मनिर्भर बनने की उनके अंदर भावना जागृत होती है। अभिव्यक्ति और निर्माण करने की अनुमति देता है, यानी कला शिक्षा के द्वारा बच्चों में क्या होता है, अभिव्यक्ति और निर्माण करने की अनुमति मिलती है। उसमें जैसे वो अपने भावों को, वो फ्री होते हैं कि उन्हें किस तरीके से, बस उन्हें माध्यम पता है कि किस तरीके से हमें हमें रचना कैसे करनी है, उसका तरीका क्या है, लेकिन उसे अपने दिमाग से अपना एक नया विचार प्रकट कैसे करना है और उसके निर्माण कैसे करना है, इसमें की पूरी अभिव्यक्ति, पूरी उनको फ्रीडम जो है, ये उन्हें कला शिक्षा में ही मिलती है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जागरूकता पैदा करता है, यानी संस्कृति और ऐतिहासिक, यानी हमारे संस्कृति क्या है, हमारे धरोहर क्या है, और ऐतिहासिक में, यानी जैसे कि हम आसपास जो हमारे हमारा जो क्या कल्चर, हमारा इतिहास क्या था, कैसा था, हम हमारे, यानी कि जैसे हम हड़प्पा काल की बात करें, या हड़प्पा मोहेजोदाड़ो, या अभी भी हम उस टाइम पे हमारे इतिहास क्या थी। जैसे हमने कला शब्द की बात की, तो कला शब्द हमें कहाँ से पता चला कि भरत मुनि ने लिखा था, उस ऐतिहासिक उन्हें हमने वो सारी चीज़ें हमने उनके अंदर जागरूकता पैदा करती हैं, वो हमारे इन जो भारतीय ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का भी अध्ययन के माध्यम से उनके अंदर ये होता है कि किस ग्रंथ में क्या चीज़ें लिखी हैं, और उनके उन सारी चीज़ों से अवगत कराती है। धन्यवाद।